मेरे विभाग में सबसे अच्छा डिसीजन रहा कि 2014 में हमारी सरकार आने के बाद 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को धोने का या साइकिल रिक्शा चलाने का काम करते थे। हमने मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा का कानून लाया और आज एक मानवीय शोषण की पद्धति को समाप्त किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि ये इतना मानवीय शोषण है कि मैं इस रिक्शा में कभी नहीं बैठूंगा। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जिस दिन ये बदल जाएगा वो देश के इतिहास का सुनहरा दिन हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो मैकेनिज्म ई रिक्शा हमने लाया और उसमें आज 1 करोड़ लोगों को मुक्ति मिली, लगभग अब साइकिल रिक्शा और आदमी धोने वाला रिक्शा दिखता नहीं, उसमें और उपलब्धि हुई कि और 25-30 लाख ज्यादा लोगों को, दिव्यांगों को, महिला भी अब साइकिल रिक्शा चला ई रिक्शा चलने लगी, उनको भी रोजगार मिला और आज बड़े प्रमाण पर यह पॉपुलर हो रहा है ई कार्ट और ई रिक्शा।